सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। नाज़रीन आदाब, डी डी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब की एक ऐसी खुशबू का जिसने आज तक हमारे दिमागों को मुअत्तर रखा है। ये नाम है साहिल फरीदी का। आज के इस एपिसोड में हम साहिल फरीदी की हयात व खिदमत पर बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। साहिल फरीदी का असल नाम मोहम्मद अहमद था। साहिल उनका तखल्लुस था और सिलसिलाए बाबा फरीद गंज शकर के ताल्लुक से इस निस्बत से वो अपने नाम के आगे फरीद लगाया करते थे। उनकी इब्तदाई तालीम सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज से हुई। उनकी पैदाइश भी हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शहर सहारनपुर में हुई। 13 अगस्त 1942 में वो सहारनपुर के एक मौजस ख़ानदान में पैदा हुए। शायरी का ज़ौक़ और शौक़ उनको अपनी वालदा से मिला और अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के लिए उन्होंने दस्तकारी का काम किया। आइए नाज़रीन, साहिल फरीदी पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। साहिल फरीदी सहारनपुरी का शुमार हिंदुस्तान के उन मशाहिर शोरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी, अपने अंदाज़े सुखन और अपने तर्ज तकल्लुम और तर्ज तरन्नुम की बिना पर अपने वतन अज़ीज़ सहारनपुर का नाम सारी उर्दू दुनिया में रोशन किया है। साहिल फरीदी सहारनपुरी, जिनकी पैदाइश 13 अगस्त 1942 को सहारनपुर में हुई, वो अपने वालिद साहब जो उनका नाम मोहम्मद यूसुफ़ था, यूसुफ़ मिर्ज़ा, उनके यहाँ एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। लेकिन तालीम याफ्ता होने के साथ साथ गुरबत से भी दो चार रहे। उन्होंने हमेशा जो देखा वो बयान किया। अपनी शायरी में उन्होंने कभी रवायत का दामन नहीं पकड़ा बल्कि दीदा व दिल की बात की। गुलो बुलबुल के नगमे कभी उन्होंने नहीं गाए, दीदा व दिल की उन्होंने बात की। उन्होंने सहारनपुर का नाम न सिर्फ आसपास बल्कि सारी उर्दू दुनिया में रोशन किया। साहिल फरीदी सहारनपुरी, जिनका एक शेर है कि सफ़र तमाम हुआ गुस्ल दे रहे हैं लोग, सफ़र तमाम हुआ गुस्ल दे रहे हैं लोग बदन से गर्द मुसाफत उतारने के लिए। ये उनका शेर उनके दूसरे शेरी मजमुए जिसका उन्वान सफ़र तमाम हुआ है उसके सरे वरक की जीनत है। ये शेर ये बयान करने के लिए काफ़ी है कि जनाब साहिल फरीदी सहारनपुरी साहब किस पाए के शायर थे। आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं, जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं। नाज़रीन, आइए इस फलसफियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिसको ख़ास तौर से डी डी उर्दू ने सजाया है आपके लिए। आप यूसुफ़ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं। आप यूसुफ़ सही, कोई खरीदार नहीं।
मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने, मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने। कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं, कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं। जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं, आप यूसुफ सही बाजार नहीं, आप यूसुफ सही। इस अमानत की हिफाजत है जरूरी साहिल, इस अमानत की हिफाजत है जरूरी साहिल। जिंदगी है कोई ये मांगा हुआ अखबार नहीं, यहाँ कोई खरीदार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, आप एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला हूं के जिसका कोई सरदार नहीं। नाज़रीन, साहिल फरीदी सहारनपुर के मशहूर शौरा में शुमार किए जाते हैं। उनका निराला अंदाज बयान उनको लोगों में मशहूर करता है। ये वो जमाना था जब लोग रिवायती शायरी को पसंद किया करते थे, शायरी में गुलू बुलबुल की बातें हुआ करती थी, लेकिन साहिल फरीदी ने रिवायती आहंग में भी एक जदीदियत पैदा की और खूबसूरत आंखों के साथ आंखों का दर्द, दुख और तकलीफ भी बयान किया। यही वजह है कि साहिल फरीदी अपने चाहने वालों के, अपने पढ़ने वालों के, अपने सुनने वालों के दिलों में उतरते गए और दुनियाए अदब में मशहूर होते गए। साहिल फरीदी ने जिस दौर में अपनी शायरी का आगाज किया वो दौर रवायती शायरी का दौर था, लोग गुलो बुलबुल की बात करते थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में दीदाओ दिल की बात की, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया वो अपनी शायरी में बयान किया। साहिल फरीदी सहारनपुरी यूं भी बड़े मकबूल और मशहूर हुए कि उनका जो अंदाज़े सुखन था वो अपने आप में मुनफरद था, अलग था, जुदा था। उन्होंने कभी किसी शायर की कॉपी नहीं की, ना अपनी शायरी में, ना अपने अंदाज में। अपना अंदाज उन्होंने अलग पैदा किया और यही वजह थी कि मुशायरों में उनके फ़ैन की तादाद ज़बरदस्त और बेतहाशा थी। लोग उनको सुनने के लिए 100-100 किलोमीटर का सफ़र तय करके
मुशायरों में जाया करते थे। साहिल फरीदी सहारनपुरी साहब ने मशहूर होने से कबल मुलाजमत भी की, दस्तकारी भी की और जंतरिया जो कि सहारनपुर की एक मुस्लिम फंड था उसमें नौकरी भी की। लेकिन जब आप मुशायरों में कामयाब होने लगे, जब आपको लोग पसंद करने लगे, तो आपने शायरी को ही अपना शेवा और शगल बना लिया। चूँकि मुशायरे आपको इतने मिलते थे कि आपको अपने सफ़र से और मुशायरों से ही फुर्सत नहीं होती थी। साहिल फरीदी सहारनपुरी वाकईतन एक अच्छे और सच्चे शायर थे। उन्होंने शायरी को एक नई सिमत अता की, एक नया रुख अता किया। सहारनपुर के अदब का जब जब जिक्र होगा, साहिल फरीदी सहारनपुर के जिक्र के बगैर वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। साहिल फरीदी साहब वाकई एक अच्छे और सच्चे इंसान तो थे ही, एक बाकमाल फनकार थे, अपने फ़न में माहिर थे। उनके बहुत सारे शागिर्द आज भी उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद, वो आँख आँख था पानी जो मर गया शायद। आइए नाजरीन इस खूबसूरत गजल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद, बड़े तपाक से वो आज मुस्कुरा के मिला, बड़े तपाक से वो आज मुस्कुरा के मिला। खुमार उसकी अना का उतर गया शायद, मार उसकी अना का उतर गया शायद। वो आँख आँख थी पानी जो मर गया शायद। मुरव्वतों का जमाना दिनों से कोई खैरियत दुआ ना सलाम, बहुत दिनों से कोई खैरियत दुआ ना सलाम। मैं उसके जहन से बिल्कुल उतर गया, मैं उसके जहन से बिल्कुल उतर गया शायद। वो आँख आँख था पानी जो मर गया शायद। मुरव्वतों का जमाना गुजर गया शायद।
नाजरीन, साहिल फरीदी एक लंबे दौर तक मुशायरों की जीनत बने रहे। उन्होंने 1960 में अपना पहला मुशायरा पढ़ा और 2000 तक मुसलसल मुशायरे पढ़ते रहे, यानी 40 साल तक उन्होंने उर्दू शेर व अदब की खिदमात को अंजाम दिया। और यही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुशायरे पढ़े, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर बैरून मुल्क के खूब मुशायरे पढ़े, और इन्हीं तमाम खिदमात की वजह से उनको बड़े बड़े इनामात और एजाजात से नवाजा गया। साहिल फरीदी सहारनपुरी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी मुतअद्दिद मुशायरे पढ़े। बहुत मुशायरे उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी पढ़े, और ये भी इत्तफाक देखें, ये भी उनका रिकॉर्ड है कि सहारनपुर कमिश्नरी का वाहिद शायर है जिसने लाल किले का मुशायरा कई बरसों तक मुसलसल पढ़ा है। जी हाँ, आपने लाल किले का मुशायरा भी मुतअद्दिद बार कामयाबी के साथ पढ़ा। आप शोरा हजरात में अपने कलाम के साथ साथ अपने आला किरदार की वजह से भी बेहद मकबूल थे। इनकसारी और खुददारी आपके मिजाज का हिस्सा थी। इनकसारी और खुददारी आपके मिजाज का हिस्सा था। शायद यही वजह रही कि आपका दीवान तकरीबन 400 गज़लों पर मुश्तमिल होने के बावजूद आपकी हयात में मंजर आम पर ना आ सका। साहिल फरीदी साहब के इंतकाल के बाद उनके दो शेरी मजमुए सदाए बिस्मिल और सफ़र तमाम हुआ उनके मद्दाहों और शागिर्दों ने शाया कराए। महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लोग न जाने किधर गए। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लो न जाने किधर। खुशबू मिजाज लोग न जाने किधर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए। आज उसने खींच लिए दोस्ती से हाथ, यूं आज उसने खींच लिए दोस्ती से हाथ। महसूस ये हुआ मेरे बाजू उतर गए, महसूस ये हुआ मेरे बाजू उतर गए, महकी हुई फजाओं से महरूम कर गए। मकान है पुरखों की यादगार, ये आखिरी मकान है पुरखों की यादगार। अब
नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने साहिल फरीदी की हयात पे बात की, उनकी खिदमात पे बात की और उनकी शायरी को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आया है।